Hello friends, welcome to my channel Garvit Coaching Institute. Today the topic of my lecture is dispersion. ये topic आपका optical fiber से है, तो dispersion in optical fiber, how it can be possible, how many types of dispersion, we will discuss one by one. First, we will discuss the definition of dispersion. तो definition कैसे करेंगे हम? क्या होता है dispersion? The spreading of light pulse as we travel from one end to another end in the fiber. Spreading या distortion of light, जब कोई light किसी optical fiber में propagate करती है, TIR के थ्रू जाती है, तो एक end पे जो input end है, उस पे जो input दे रहे हैं हम, इस type की pulse होती है आपकी, जैसा दिखाया गया है आज. लेकिन जब आउटपुट देखते हैं तो जो पल्स है, जो वेव है, वेव मोड्स है, वो स्प्रेड आउट हो जाती है, फैल जाती है. यहां पे आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ये आपका पार्ट सेंटर कोर टीआईआर हो रहा है. तो जो इनपुट दे रहे हैं, इनपुट का वेव इस टाइप से है जो दिया गया है, यानी कि नॉर्मल है जो भी प्रोपेगेट कर रही है. फर्स्ट एंड इसे बोलते हैं हम इनपुट, जहां से जो पल्स है, जो वेव है, वो आपका एंटर हो रही है. उसके बाद सेकंड एंड, जिसे मैं आउटपुट बोलता हूं. आउटपुट हमें कैसे मिलता है? इसका जो ये आपकी वेव्स हैं, वो स्प्रेड आउट हो जाती है, फैल जाती है. मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देने वाला हूं आपको. आपने पेंसिल का स्ट्रिंग देखा होगा, पेंसिल में स्ट्रिंग होता है, उस स्ट्रिंग में इस टाइप से सर्कुलर वायर बना होता है. वो तो एक इनिशियल पॉइंट है, एक्चुअल पॉइंट है उसका. और अगर मैं उसको स्प्रेड आउट कर दूं, एक्सपेंड कर दूं, तो बाहर की तरफ खुल जाएगा, बाहर की तरफ खींच जाएगा. तो ऐसे ही जो एक्चुअल है स्ट्रिंग है, वो तो इनपुट है आपका. जो वेव मिलती है, वो वेव प्रोपेगेट कर रही है इनपुट, इनपुट एंड में. और जो आपका रिसीवर है, ट्रांसमिट जो रिसीव कर रहे हैं, सेकंड एंड पे आउटपुट जो हमें मिलता है, तो एक्सपेंड हो जाती है, फैल जाती है, स्प्रेड आउट हो जाती है. तो उसको कहते हैं आप डिस्पर्जन. तीन पार्ट आप हमेशा पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था मैंने. ऑप्टिकल फाइबर या फाइबर ऑप्टिक्स होता क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ कोर, क्लैडिंग और शीथ. तो जो आपका टीआईआर हो रहा है, वो किस में से हो रहा है? कोर में से होता है. तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिस्पर्जन, वन बाय वन हम डिस्कस कर रहे हैं. तो पहले वाला है आपका इंटरमोडल डिस्पर्जन. इंटरमोडल डिस्पर्जन क्या होता है? इंटरमोडल डिस्पर्जन में जो आपकी लाइट होती है, उसका अलग अलग वेवलेंथ होता है. जैसे आप देख रहे हैं एग्जांपल, एक डायग्राम दिखाया गया है, सेंटर कोर, क्लैडिंग और इसके ऊपर शीट. तो जो आप देख रहे हैं इसमें, कुछ तो एंगल जो आपका इस टाइप से वेव प्रोपेगेट कर रही है, एक सेकंड वाली कर रही है. तो जो दूर दूर जा रही है, जो टीआईआर कर रही है, यहां से यहां पे, यहां से यहां तक, इसको कहते हैं फास्टेस्ट मोड. फास्टेस्ट यानी कि स्पीड क्या होगी? तेज होगी. और जो आपकी टर्न बहुत ज्यादा ले रही है, ज्यादा टाइम लगेगा इसमें, उसे कहते हैं शॉर्टेस्ट मोड. तो इंटरमोडल डिस्पर्जन क्या हुआ? दिस टाइप ऑफ डिस्पर्जन व्हिच हैव डिफरेंट वेवलेंथ्स या डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट प्रोपेगेटिंग थ्रू द कोर, राइट. सेकंड, मटेरियल डिस्पर्जन या स्पेक्ट्रल डिस्पर्जन क्या होता है? मटेरियल डिस्पर्जन या स्पेक्ट्रल डिस्पर्जन, दे हैव डिफरेंट वेलोसिटीज. इसमें क्या होगा? इसमें जो वेलोसिटी होगी वो अलग अलग होगी. जैसे दो वेव हैं, दो आपने सिग्नल दिया है अलग अलग कलर का, येलो लाइट का, रेड कलर लाइट का, तो जो उनका वेलोसिटी होगी, उनकी वेलोसिटी अलग अलग होगी. यहाँ पे लिखा रखा है लैम्डा वन और लैम्डा टू, अगर दो वेवलेंथ है तो उनके लिए जो वेलोसिटी है अलग. थर्ड वाला जो कि लास्ट है, वेव गाइड डिस्पर्जन. वेव गाइड डिस्पर्जन में हम क्या कहते हैं? वेव गाइड डिस्पर्जन में डिपेंड करता है एंगल्स पे.
जो उनके एंगल है, दे हैव डिफरेंट एंगल्स इनसाइड द फाइबर या इनसाइड द कोर। जो कोर में प्रोग्रेशन हो रहा है उसमें हम लेते हैं अलग अलग एंगल। जैसे अभी एग्जांपल दिया है, कुछ तो आपका टीआईआर जो हो रहा है बहुत कम ड्यूरेशन में कम एंगल हो रहा है। इस एंगल की अगर मैं बात करूं 45 है, अप्रोक्स 45 डिग्री। सेकंड एंगल मैंने लिया है, एक एंगल आपका ये वाला है, यहां पर खड़ा है ये 45 से ज्यादा है, तो अलग अलग एंगल का मतलब है कुछ एंगल कम होगा। जो टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट का मतलब है कोर क्रेडिट से जो टकरा रही है, टकराने के बाद जो हो रही है जिसे आप टीआईआर बोलते हैं, तो वो एंगल किसी में कम और किसी में ज्यादा होगा। तो क्या होगा आपका वेव गाइड डिस्पर्जन में क्या पढ़ते हैं, इन वेव गाइड डिस्पर्जन दे हैव डिफरेंट एंगल्स। तो समराइज अगर मैं कहूं, वेव गाइड में डिफरेंट एंगल्स होते हैं, मटेरियल या स्पेक्ट्रल डिस्पर्जन में डिफरेंट वेलोसिटी होती है, इंटरमोडल डिस्पर्जन में डिफरेंट वेवलेंथ्स होते हैं। क्लियर हो गया टॉपिक? तीन टाइप का डिस्पर्जन पढ़ा आपने। डिस्पर्जन होता क्या है, द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट प्रोपगेटिंग थ्रू द कोर इट बिकम्स स्प्रेड एट द सेकंड एंड या अदर एंड। तो जो आपका इनपुट दिया जा रहा है, जो वन एंड है उसमें जो वेव प्रोपगेट कर रही है कोर के अंदर, इसे आप ट्रांसमिट भी बोल सकते हैं, लेकिन जब रिसीविंग पे देख रहे हैं आप, सेकंड एंड पे देख रहे हैं, तो जो आपकी वेव्स है वो स्प्रेड आउट हो जाती है। इस फिनोमेना को कहते हैं आप डिस्पर्जन। तीन टाइप का डिस्पर्जन आपने पढ़ा है, पहले वाला पढ़ा है इंटरमोडल, इसमें आपने देखा कि अलग अलग वेवलेंथ्स होते हैं। जो ऑप्टिकल फाइबर में प्रोपगेशन होता है उसमें क्या होता है, अलग अलग वेवलेंथ्स, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, वेवलेंथ्स का मतलब है अलग अलग कलर की लाइट प्रोपगेशन करती है। सेकंड वाला आपने पढ़ा मटेरियल डिस्पर्जन या स्पेक्ट्रल डिस्पर्जन, इसमें आप बता रहे हैं जो ये अलग अलग वेवलेंथ है इसमें वेलोसिटी अलग अलग होती है। फर्स्ट वाले में वेवलेंथ्स, सेकंड वाले में डिफरेंट वेलोसिटी होती है। लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 वेलोसिटी मिल गई, लैम्डा 1 की क्या होगी v1, लैम्डा 2 की क्या होगी v2, लैम्डा 3 की क्या होगी v3, मतलब अलग अलग वेलोसिटी होगी। और थर्ड वाले में जो वेव गाइड कर रहे थे इसमें एंगल्स अलग अलग होंगे। तो मुझे लगता है ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, डिस्पर्जन एंड थ्री टाइप्स ऑफ डिस्पर्जन। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि मैं आगे भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकूं। थैंक यू वेरी मच।